नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के जीवन काल में भगवान शनि देव के आशीर्वाद से बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समय लेकर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ये समय अंतराल में आप सभी के जीवन काल में जीवन की आपकी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम आप सभी को बता दें कि इस समय परिवार में आपका खुशियों का माहौल रहेगा, क्योंकि दोस्तों काफी वर्षों के बाद आपके सोचे सपने सच होने वाले हैं। परंतु दोस्तों, इन्हीं के साथ हम आप सभी को ये सलाह देंगे कि इस समय कोई आपसे कितना भी जिद करे, कोई आपसे कितना भी कहे कि दोस्तों इन बातों को बता दें, लेकिन आप इन बातों को उन्हें भूलकर भी ना बताएं। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे ही व्यक्ति आपके जीवन काल पर पिछले समय में आए हैं, जिन्होंने आपके साथ रहकर इतना बड़ा छल किया है कि दोस्तों ये बातें सिर्फ आप ही जान सकते हैं। और इसी प्रकार आने वाले 10 दिनों के अंदर भी आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे छलियों से आपकी मुलाकात होने वाली है, जिनसे आपको सावधान भी रहना अत्यंत आवश्यक होगा। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपके जीवन काल से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे कि इस समय भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से ग्रहों ने जो बदली है चाल, इन सभी के अनुसार आप सभी के जीवन काल में आपको कौन कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधान रहना होगा, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको इस समय मिलने वाली है। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त नदी किनारे बैठकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे और सोचने लगे थे कि हमारे जीवन की चिंताएं आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर आकर अपने शिष्य को ये हल दिया कि उस दिन हमारे सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जब हमें विश्वास हो जाएगा कि हमारा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर उनका भक्त बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, अगर सच्चा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि 25 मई से लेकर 5 जून के समय अवधि में आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां भगवान शनिदेव लेकर आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों इस समय आप अपने कर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे, भाग्य अपने आप ही आपका सहयोग करेगा। दोस्तों आपको उचित उपलब्धियां भी इस समय हासिल होने वाली हैं। घर में भी अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने में आपका महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। इसके साथ दोस्तों अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों इस समय भाई बहनों के रिश्तों को लेकर आपको बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों इस समय अकारण ही आपके साथ उनका मतभेद हो सकता है। पैतृक संबंधियों को लेकर भी इस समय किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए जो समय होगा, आपको बता दें कि किसी नए काम की शुरुआत आप पूरे उत्साह के साथ करेंगे, लेकिन दोस्तों जैसे ही उनमें कठिनाइयां आएंगी आप जल्द ही हार मान सकते हैं। इसलिए दोस्तों अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करें। लोगों द्वारा मदद मिलना या फिर ना मिलना या फिर ये लक की बात है, फिर भी दोस्तों अपने प्रयत्नों को इस समय कम ना करें, ये आपके लिए इस समय बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होगा, आपको बता दें कि घर या फिर व्यवसाय दोनों जगहों में सोच समझ कर निर्णय लेना व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। दोस्तों इस समय आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतरीन बन रही है, अथवा दोस्तों समय का उचित सदुपयोग करें। इसके उपरांत दोस्तों ये समय कभी कभी काम की अधिकता की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। दोस्तों किसी नजदीकी व्यक्ति की आर्थिक मदद करने की वजह से आपका हाथ कुछ तंग हो जाएगा, बेहतर होगा कि दिल की बजाय समय आप दिमाग से काम लें। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होगा, आपको बता दें कि फिलहाल आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सफलतापूर्वक
आप निभा भी पाएंगे, लेकिन दोस्तों नई जिम्मेदारियां खुद के ऊपर बढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों व्यक्तिगत जीवन में आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों व्यक्तिगत जीवन में प्रगति करने के लिए खुद की ही सेहत और विचारों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपके लिए इस समय आवश्यक है। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए जो समय होगा, आपको बता दें कि इस समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। दोस्तों आप कुछ नई तकनीक का प्रयोग करेंगे। दोस्तों घर को संवारने हेतु नई वस्तुओं की खरीदारी संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। परिवार के साथ घूमने फिरने या फिर मनोरंजी समय आपका व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होगा, दोस्तों अपने कार्यशैली और योजनाओं को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने का आपका प्रयास रहेगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी गलत सलाह आपके लिए आपको जो है इस समय भ्रमित कर सकती है। दोस्तों इस समय बच्चों की गतिविधियों या फिर शिक्षा संबंधी तैयारियों के विषय में भी जानकारी लेते रहिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए जो समय होगा, आपको बता दें कि प्रयत्नों द्वारा आप परिस्थिति में बदलाव ला पाएंगे, और दोस्तों खुद के प्रति कोई आपको ऐसा बात पता चलेगी जिसकी वजह से आपको उस सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों मेडिकल क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति या फिर विद्यार्थी अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर पाने की वजह से उनके प्रयत्नों को और उनके द्वारा लिए गए मेहनत को उचित न्याय मिलेगा। आपके लिए जो समय होगा, आपको बता दें कि जो दिन होगा, ये जो समय होगा आपके लिए शुरुआत में ही बहुत सुकून भरा रहेगा। फोन द्वारा कोई भी शुभ सूचना आपको मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। जन्मदिन या फिर किसी अन्य पार्टी में जाने का अवसर भी आपको मिल सकता है, तथा लोगों के मेल मिलाप आपके लिए आनंददायक रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों दिन के दूसरे पक्ष में आपके लिए जो समय होगा, परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो जाएंगी, जिससे आपको लगेगा कि भाग्य आपका साथ भी दे रहा है, परंतु दोस्तों अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ अधूरे काम भी इस समय छोड़ सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होगा, आपको बता दें कि काम अपनी योजनाओं के मुताबिक ना होने की वजह से थोड़ी नाराजगी भी बनी रहेगी, लेकिन आप युग दिशा पाने के लिए किसी उचित व्यक्ति द्वारा मिल रही सहायता को अपनाएं, जिसकी वजह से आपको काम कम समय में अधिक प्रभावपूर्ण करना आपके लिए आसान रहेगा। घर संबंधी कोई भी निर्णय लेना इस समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इन्हें टाल दें कि आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों अगर आपके करियर को लेकर बात करें, तो दोस्तों इस समय व्यवसाय में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस समय ये जो अपने काम के प्रति बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता होगी, मुश्किल समय में किसी योग्य व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए इस समय उचित रहेगा। सरकारी शौर्य व्यक्तियों को कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, जो कि आपके लिए इस समय लाभदायक भी रह सकती है। इसके उपरांत दोस्तों आपके व्यवसाय के लिए जो समय होगा, दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके व्यवस्था और अधिक बढ़ेगी, परंतु आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने से आपका मन और आत्मविश्वास बना रहेगा। ऑफिस में बेकार की बातों में किसी के साथ ना उलझे, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपकी गर्ता और परिस्थिति को और माहौल को इस समय अनुशासित बनाकर रखिएगा। दोस्तों ये समय कर्मचारियों तथा सहयोगियों का भी काम के प्रति पूर्ण सहयोग बना रहेगा। छोटी सी गलतफहमी को लेकर अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके करियर के लिए जो समय होगा, दोस्तों आपको बता दें कि इस समय व्यवसाय गतिविधियों को अपने कार्य क्षेत्र में रहकर ही पूरा करें। दोस्तों किसी भी प्रकार के भारी काम या फिर यात्रा को स्थगित रखना आपके लिए उचित रहेगा। सरकारी गतिविधियों से आपको बेहतरीन मुनाफा होने की संभावना बन रही है, तो दोस्तों पिछले कुछ समय से वर्किंग महिलाओं के लिए बेहतरीन स्थितियां बनी हुई हैं। इसके उपरांत दोस्तों अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें, आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और उत्तम रहन सहन आपको स्वस्थ रखेगा। इम्यून सिस्टम को उत्तम बनाकर रखें,
ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होगा, दोस्तों आपको बता दें कि यह समय काम की अधिकता की वजह से मानसिक तनाव भी रह सकता है। इनके लिए आप मेडिटेशन में कुछ समय व्यतीत करना तथा कुछ उत्तम साहित्य पढ़ना आपको ऊर्जावान रखेगा, तो दोस्तों इन पर भी जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होगा, आपको बता दें कि अंत में स्वास्थ्य ठीक होगा, कुछ समय व्यायाम और योगा में लगाएं। इस समय माता के स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होगा, सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों में कठोरता आने की वजह से कुछ तनाव रह सकता है, तो दोस्तों इन पर भी ध्यान दें और अपनी वाणी पर इस समय जरूर संयम रखें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।